मैंने घप करके अंदर कहा, करी हर गुजरात, मैंने कहा करी मुंह में क्या नरियर पॉइंट थ्री मिर्ची पे मैं हूं आपके साथ शर्मा जी का लड़का विदित। एंड तो आज सेकंड एपिसोड ऑफ मार्क्स आर अ जोक एंड आई हैव विद मी वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी फनी रोस्ट मास्टर एंड पायरेटेड विक्की कौशल। ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हर्ष गुजराल, हर्ष भाई कैसा है? क्या हाल है? ये तो बहुत मिला होगा ना? क्या पायरेटेड वाला? अरे बहुत जलील हो रहा हूँ यार मैं उसके चक्कर में, उसको पता भी नहीं। कोई कह रहा सस्ता, कोई कह रहा महंगा। एक ने तो अर्जुन कपूर बोला, सोच रहा ये तो बुरा हो गया, बहुत ही बुरा हो गया। ये गाली पड़ी है। और एक आदमी पता क्या क्या मेरे को कह रहा, आप कुछ नहीं लगते, आप बाजीगर की काजोल लगते। कितनी बेइज्जती, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। मैंने कहा बाजीगर में तो काजोल खुद अजय देवगन लग रही थी, क्या बात कर रहा है तू। मेरी बेइज्जती हो रही है यार। लेकिन प्रपोजल मिलने शुरू हो गए ना, अब लड़कियां प्रपोज कर रही मेरे को। एक लड़की कहती है देखो महंगा वाला ना हमारी रेंज में नहीं आ रहा। तो आप ही सेट हो जाओ, आप सेट हो जाओ। मैंने कहा ये कोई तरीका प्रपोज करने का? तो तूने हाँ तो बोला ही होगा, पागल हो गया, बाटा का जूता हो गया, नाइकी मेरी रेंज में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ठीक है, काफी मिल रहा है। पर प्यार तो मिल रहा है, प्यार तो मिल रहा है, बहुत प्यार तो आपको पहले भी मिल रहा है। आधा तो विकी कौशल की वजह से मिल रहा है, क्यों उसके जो रिजेक्टेड हो रहे हैं, जो वो आगे बढ़ा रहा है वो इस तरफ आ जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कटरीना कैफ उसका ब्रेकअप हो गया तो आपका चांस भी है कटरीना के साथ। हाँ ख्वाब दिखा दो पूरे, छोड़ दो फिर खुल्ला, मेरे बाप कानपुर छोड़ देंगे, कहेंगे मैं बहू के साथ ही रहूंगा बेटा, बहू बेटे के साथ मतलब, सॉरी। तो सबसे पहले जब मैं स्कूल की अगर बात करूं, इफ आई से द वर्ड स्कूल, तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी याद आती है स्कूल की? किसी टीचर को हमने छोड़ा नहीं था ना। क्या करने से? किसी भी चीज से। ऐसे जिंदा मार दिया था उन लोगों ने हमने अपनी हरकतों से। क्या कर दिया था ऐसा? मतलब स्कूल में हम लोग क्या ही करते थे यार, मतलब। और सबसे पहली बात मार्क्स, मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स तो तुम्हारे आते थे? मैं बताया सिंगल डिजिट में, सौ सिंगल डिजिट ना, मेरे एक बार 1/4 आए थे 100 में से। 1/4 आए थे, मतलब 0.25 में, 0.25। उसके बाद मैं टीचर के पास चला गया था, मैंने कहा इसमें काउंटिंग मिस्टेक है, कैरी सिर्फ इसलिए दिए ताकि 0 ना लिखूं मैं। कभी ऐसा हुआ है कि टीचर को, टीचर ने कुछ बोला ये पेन किसका है, तूने बोला पार्कर का पेन है, मतलब ऐसे उल्टे जवाब? इतने गंदे मजाक मैंने कभी नहीं किए, कभी नहीं, अच्छे किया तब से। यार हम लोग ना स्कूल में भी बम लगाया करते थे। एक बार मैंने पता कहाँ लगा दिया था, हमारा एक मैथ्स का टीचर था वो केरला से आया था। हाँ। तो उसने हमें घर पे इन्वाइट किया, अलजेब्रा ब्रैकेट, अलजेब्रा उस टाइप का था वो, लेकिन उस टाइप का था, प्लीज मत करो ऐसा। तो उसके घर हम लोग कोचिंग पे जाने वाले थे, हम उसके घर पे ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वो रेंट पे रहता था, तो बस चढ़ने वाले थे, रस्सी पे उसी के कच्चे सूख रहे थे, हमने उसमें सब में एक एक बम फिट कर दिया। और उसके बाद ठांटा तो होती नहीं, अगले दिन वो स्कूल नहीं आया, शाम को हमें मार्केट में मिला, मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, कहता कुछ सामान लेने आया, सच बताओ कच्चे, हाउ डू यू नो, हमारी वजह से पटे वो छेद हमने तो बनाया, वो हमारी वजह से हो रखे हैं। मैं एक दिन मैं कोचिंग बीच में खड़ा था, गर्मी बहुत थी, मैंने कहा ऐसे अच्छा तुम मेरे घर पढ़ाने आओगे, और वो आने भी लगा था उसके बाद। मैंने कहा आपने इतनी जल्दी के मान के कह रहा, मुझे खुद भी मां बहुत गर्मी। तूने कभी वैसे पता क्लासेस बंक करी है? यार मुझे निकाला गया 5-6 बार। एक बार मैंने ना फेयरवेल में ना ऐसे 2 लीटर की पेप्सी की बोतल ना सारे टीचरों पे उड़ा दी थी, क्योंकि मैं इतना खुश था, मैं पता नहीं क्यों खुश था, लेकिन वो 2 लीटर की पेप्सी की बोतल मैंने सौ, ऐसा नहीं कि जेंट्स के ऊपर, लेडीज साड़ियां भीग रही है, वहां माहौल बना हुआ है पूरा, लड़के तालियां मार रहे हैं कि हर्ष गुजराल कुछ कर रहे हैं। तो अगर ऐसी हरकतें करी, तूने बताया रेस्ट्रिक्ट तो हुआ है, लेकिन पनिशमेंट्स मिली है? पनिशमेंट मिलती थी क्लास के अंदर, क्या पनिशमेंट? अच्छी पनिशमेंट देती थी वो, कहती थी किताब नहीं लाओ तो बाहर चले जाओ, जो लौंडे लाते थे वो भी कहते थे हम नहीं लाए, बाहर भेजो। एक दिन पूरी क्लास बाहर थी, टीचर अकेले अंदर बैठी हुई, फिर उसने चेक करी तो आधे लौंडों की किताबें निकल आई, वो सिर्फ अपने मूड के हिसाब से बाहर जाते थे कि आज हम किताब नहीं लाए। मुझे एक बार प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बिठा दिया था नील डाउन करके, 5-10 मिनट में बैठा, फिर जो वो लोकल पियोन था वो सेट करा मैंने, उससे 15 मिनट में कभी समोसे आ रहे हैं कभी कचौड़ी। प्रिंसिपल ने मुझे खुद बोला क्लास के अंदर बैठो, यहाँ पार्टी कर रहे हैं, फूड कोर्ट मेरे ऑफिस के बाहर बैठ के फूड कोर्ट बना दिया इसने। एक हमारा टीचर था वो भाई कौन ऐसे ऐसे करता था, ये वो करते हैं ना ऐसे ऐसे करता था, मुझे ऐसे लगता था उसको मजा आ रहा था, क्योंकि हमें फेटिश है कान का, क्योंकि वो खींचने लगता वैसे करते उसके हाथ में आ जाता था, यूं 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 10 मिनट लेता था, हम भी करते सर थोड़ा यहाँ कर देते तो मजा ही आ। तेरी क्या पनिशमेंट रही, तूने नहीं बताया? मैंने भाई मेरे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट रहती थी। हमारे एक पीटी टीचर होते थे, उनको पता नहीं तो क्या मजा आता था, वो ना बच्चों की पैंट में उंगलियां डाल देते थे और पैंट पकड़ के से खींच देते थे। अच्छा भाई कसम से मैं समझ नहीं आ रहा मैं हुआ क्या, ये
और मुझे एक बार याद है दोनों जैसे कान पकड़ने वाले बात बता रहा ना, वो दोनों कान पकड़ के ऐसे करके उठा देते थे, ये लौंडों को ऐसे उठा देते, ऐसे उठा देते थे। लड़कियों को पनिशमेंट नहीं मिलती थी भाई, वो होती है ना मैंने क्या कहता हूँ तमीज, हाँ उनको देख के भी मन करता, जैसे स्कूल आती थी जाते वक्त भी वैसे ही लगती थी। हाँ लड़के जब स्कूल आते थे, लड़के आते थे व्हाइट जाते थे ब्राउन, वापसी में तो भाई साहब ऐसा लगता था 1.5 किलो मिट्टी खाई है, कंकड़ जमाए हमने, मार खाई है, घुटने फटे हुए, ऐसा नहीं लगता था हम लोग बहुत ज्यादा भाई। व्हाइट शूज कब में येलो हो जाते थे पता नहीं चलता था। हमारे बाप लोग कितने ऐसे हैं पता है, उन्हीं पीले जूतों में हमसे शादियां अटेंड करवाई। क्लास के बीच में खाना खाए एकदम आगे बिठा दी टीचर मेरे को कि मेरी छाती में बैठ समझा, ताकि तुझे पसीना भी है ना तो मेरे पल्लू से पोछे। इस तरीके की बात थी कि वो कहीं जाने नहीं देना चाहती थी कि कहीं इधर उधर हुआ तो पूरी क्लास खत्म कर देगा। हाँ। तो वो ना अटेंडेंस ले रही थी ऐसे ऐसे करके, मेरे बगल में एक लौंडा था गुरप्रीत सिंह, वो ना रसगुल्ला लेके आया था व्हाइट वाला, मेरे से कह रहा रसगुल्ला खाएगा, मैंने कहा लाया तू, कह रहा मैंने कहा वो अटेंडेंस ले रही थी और मैं भूल गया कि मेरा अटेंडेंस आने वाली, मैंने रसगुल्ला अंदर किया, करी हर्ष गुजराल, मैंने रसगुल्ला कह रहा हर्ष गुजराल, मैंने घप करके अंदर कहा करी हर्ष गुजराल, मैंने कहा करी मुंह में क्या कपड़े धोती थी ना घर पे तो अंदर से आलू निकलते थे, कहती तेरी पेंटों में से क्यों आलू मटर निकल रहे हैं, मुझे यहाँ रख लिया पीछे वाली जेब में रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये तो काफी डिस्गस्टिंग हो गया। खैर लेता था यार, अच्छा टीचर पे क्रश हुआ तेरे को कभी? उधर देख के जैसा एक वंदा नाम की टीचर थी अपर केजी में, बहुत छोटा था मैं अपर केजी ये प्यूबर्टी देखिए आपका भीट हुई है मतलब अपर केजी में मुझे तेरे बालों जितनी हिट हो गई थी समझ। अच्छा एक बार मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था तो उन्होंने उसको गोद में उठा लिया उसके बाद में रोज जान मुझके रोता था कि मेरी बारी कब आएगी। तो मेरे पिताजी को पेरेंट टीचर मीटिंग में कहती है कि आपका बेटा रोता बहुत, पापा कहते घर पे तो आज तक नहीं। कानपुर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो है लड़ाई। स्कूल में कोई लड़ाई एपिक लड़ाई याद है? जैसे मुझे याद है कि एक बार मेरे को 6 लड़के आए थे मानने, मारा था फिर तुझे? मैं भाग गया था तो फिर क्या लड़ाई ये लड़ाई थोड़ी नहीं, थोड़ी सी एक आध लात पड़ गई थी मुझे। मेरी हाइट हमेशा से लंबी रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाइट लंबी है तो कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे, पीट दूंगा मैं किसी को, ऐसा लगता था मुझे तब तक जब तक मैं अपने छोटे भाइयों के साथ क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड में स्कूल के, मेरे कजन वगैरह थे वहां पे, तो वहां पे बगल में ना बड़े अमीरों के बच्चे खेल रहे थे पैड वैड पहन के, बॉल उनके पास भी प्लास्टिक की थी तो हमने कहा ये हमारी पिच है, कह रहे नहीं हमारी है। तो मेरे जो छोटे वाले कजन थे उन्होंने कहा भैया आप बड़े हो लंबे भी हो आप डांटोगे, मैंने भी डांट दिया, मैंने कहा कोई नहीं खेलेगा ये हमारी पिच है भाई साहब, मैंने एक दो को धक्का दे दिया। और बाद में पता लगा कि ये जो लोकल MLA है उसके बच्चे हैं ये सारे, मैंने कहा बाद में पता लगा, वो जब पता लगा जब ऐसे ना कि वैसे 5-6 गाड़ियां मुझे मारने आई बड़के मतलब आप समझ रहे हो, मैंने उनसे बोला कि भैया हम लोग सब दोस्त हैं आपको तो इतने उसको मारना चाहिए मरजानी साइकिल भी उसी समय पंचर होने की देख पा रहा चलाने क्योंकि पंचर हो रखी है ये। क्या तुम चक्कर में लड़ाई करी तुमने कभी? और किसके चक्कर में होती है लड़ाइयां? मेरे को तो और कोई रीजन याद नहीं आ रहा। एक बार एक लड़की मुझे पसंद थी 6th या 7th की होगी, तो मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा यार एक लड़की बहुत पसंद है स्कूल में, जैसे ना स्कूल के बाद जाते हैं छुट्टी हो जाती थी तो बाहर बैठे हुए हैं वैसे करके, हाँ। वो लड़की आई मैंने कहा ये है, हाँ। उसने झापड़ मार दिया मेरे को बहन थी उसकी स्कूल में रोमांस हुआ जब बंदी पड़ गई तो कहाँ कहाँ मिला करते थे, और स्कूल के अंदर प्रपोज कैसे किया? एक बार किया था नहीं मुझे किया लड़कियों ने प्रपोज, ओहो 11th-12th में किया एक लड़कियों ने प्रपोज किया आपको? बगैर कैसे? छोटी छोटी बहुत थी ऐसे ना, मैं बहुत ही लंबा था और वो इतनी इतनी सी थी, मतलब ऐसे गले मिलने के लिए हाथ फैलाओ तो तुम्हारे पैर के बीच से निकल जाए इस टाइप से लड़कियां मतलब प्रपोज कर रही थी। बट हम लोग घूमने जो एक लड़की के साथ में जाता था वो एक्चुअली तब ये सब जगह नहीं थी स्टार ये सब जितनी भी घूमने की, तो पार्क हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री पार्क था एक, मैंने उनका नाम बहुत रोशन किया, मतलब अगर वो आ जाते नीचे खुद नाम मिटा देते पार्क के आगे से कह रहे हर्ष गुजराल लिखते हैं यहां पे। तब इंटरनेट कैफे भी हुआ करते, साइबर कैफे कैबिन वाले। ओ ये देखो इन्होंने ओयो का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से शुरू रखा था। एक दिन हम पहुंचे तो उसने बोला कि भैया बुरी खबर है, मैंने क्या हुआ? कह रहा दरवाजे हटा दिए। ये क्यों किया आपने? हाँ। ये क्यों किया आपने? हाँ। मतलब मैं ऐसे बुरा लग रहा था जैसे हमारे घर के कमरे के दरवाजे के लिए, ये कैसे हो सकता है? नहीं दरवाजे क्यों हटा दिए भाई, हम बर्बाद हो गए। कभी कभी ना बाहर जो बैठा था उसकी आवाज आती धीरे मार्क्स छुपाए, मतलब जैसे तेरे को पता है तेरा पेपर खराब गया है लेकिन घर जाके तो बोला अरे नहीं नहीं मैंने तो टॉप कर दिया था। ऐसे 11th-12th में तो मेरे माँ बाप को पता ही था कि इसके मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब वो मोस्टली वो पूजा पे डिपेंडेंट थे
कि पूजा करो बस, ये नहीं पास हो पाएगा क्योंकि मेरे बता रहा हूँ तेरे को, इलेवेंथ में मुझे पांचों सब्जेक्ट में वाइटनर लगा के पास किया। मेरे पापा ने पूछा भी, ये तो सब सब्जेक्ट में फेल है, आपने वाइटनर क्यों लगाया? टी प्रिंसिपल कहती है हम नहीं चाहते कि एक साल और ज्यादा बिताएं आप। हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको आगे बढ़ाओ। हम लोग ना क्रिकेट खेल लेते ग्राउंड में, एक हमारी ड्राइंग टीचर थी, ड्राइंग नहीं कराती थी, उसके अलावा वो कहती थी बाहर चलो खेलो तुम लोग, मैं धूप सेकूंगी आराम से। वो धूप सेक रही आराम से, उसका एक भांजा था जो हमारे स्कूल में था और हमारा दोस्त भी था, और वो क्रिकेट खेलता नहीं था, वो टीचर की पिछलग्गी वाले लौंडे नहीं, वो पीछे उसके साथ बैठा रहता कि टीचर ऐसे कर ले, बैठा खेला हम क्रिकेट खेल लेते। उसके बाद बॉल गई, बोला अरे यार भाई बॉल फेंक दियो इस तरफ, तो उसको लगा टीचर साथ बैठी, उसने बॉल उठाई और उस तरफ फेंकी, ओ कि ये उठा के लाएंगे खुद दूर से। ओ अच्छा, लगा कि टीचर बैठी है साथ में। मैंने सबको इकट्ठा किया, मैंने कहा मारोगे इसको? हाँ बिल्कुल मारेंगे, हम भागते हुए टीचर को पकड़ लिया। उसको लग रहा था कि टीचर को पकड़ा था, मारेंगे टीचर, स्टंप मारने शुरू किए। तो मैंने टीचर टीचर उसने ना उसका हाथ छोड़ दिया, टीचर मुझे क्यों मार रहे हो तुम? मैंने कहा मैं तो धूप से आई थी। ओ बात साहब, कानपुर में बहुत जोर से फेमिनिज्म की जरूरत है। हाय, मैं हूं आपके साथ हर्ष गुजराल, और मेरे 12th में आए थे 53%। मेरा आपसे ये कहना है कि इन द लॉन्ग रन मार्क्स डोंट मैटर, सो खाओ पियो ऐश करो मजे मारो, बिकॉज मार्क्स आर अ जोक।